अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या है और मैं क्या कर रही हूँ। तो जी हाँ, आज शिफू का बर्थडे है। आज नहीं, कल है उसका बर्थडे, लेकिन आज हम रात में एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं और मैं उसके लिए बना रही हूँ केक। तो ये एक सरप्राइज़ पार्टी है। वैसे उसका बर्थडे मैंने सोचा था कि जैसे अरहान का किया था वैसे ही करेंगे, लेकिन उसका मन था कि हम बाहर रेस्टोरेंट में जाके छोटा सा एक पार्टी सेलिब्रेट करें। तो हमने कहा ठीक है, वो पार्टी तो रहेगी, लेकिन रात में जो सरप्राइज़ पार्टी है वो मेरी तरफ से है। शिफू को बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैंने उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी है। शिफू का फेस काफ़ी उतर गया था जब जब उसने देखा कि उसके पापा कुछ भी नहीं लेके आए हैं। जैसे हम लोग रात में भी एक छोटा सा सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे को, तो उसको ऐसा लगा कि शायद मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट होगा, तो उसका फेस उतर गया था। और लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मम्मा जो है वो छुपे छुपे से उसके लिए केक भी बना रही है और सेलिब्रेट भी करेगी। तो मैंने तो वैसे बोल दिया है उनसे कि आप बच्चों को संभालें और तब तक मैं केक बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल से ग्रीस करके और केक टिन को रेडी कर लिया है जिसमें मुझे केक को बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में छन्नी ले लिया है ताकि मैं मैदे को और बाकी चीजों को अच्छे से छान सकूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा, यानी कि 100 ग्राम है ये। उसके बाद मैंने उसी कप से आधा कप लिया है कोको पाउडर, और साथ ही में मैं ले लूंगी इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से मिला के और छान लेंगे हम। इस केक की वीडियो ना मैं आपको एक अलग से भी बना के दे दूंगी। अभी मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आए तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैं एक एक चीजें प्रॉपर आपको बताऊंगी। छानने के बाद ना मैं उसी कप से 1 कप पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। इसको मैंने मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लिया था, अब मैं इसे इसमें छान लूंगी। छानने के बाद ना जो चीनी इसमें अच्छे से पिसी नहीं है उसे हम अलग कर देंगे। अब ना इसमें मैं आधी चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें एक अंडा डाल दूंगी। अंडा कभी भी याद रखिएगा, डायरेक्ट मत डालिएगा, अगर अंडा खराब निकला तो वो पूरा का पूरा बैटर खराब हो जाएगा। तो इसको मैं एक अलग कटोरे में लेके फेंट के उसके बाद इसमें डाल दूंगी। अंडा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ आधा कप, उसे डाल के और फिर उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस 1 चम्मच। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। मिल्क मैंने ना आधा कप लिया है कॉफी मग से। मिल्क हम इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डालेंगे, तो अभी मुझे जितनी ज़रूरत पड़ेगी मैं उतना डाल रही हूँ। मिल्क को ऐड करने के बाद ना इसको अच्छे से मैं बहुत ही अच्छे से इसको फेंट लूंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे ना मुझे मिल्क पूरा लग गया, बस इसमें ना 2 चम्मच के करीब में दूध बच गया था, बाकी सारा दूध लग गया। तो यहाँ हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे केक टिन में निकाल लेंगे और 180 डिग्री पे मैं इसे ओवन को प्री हीट करके और 25 मिनट के लिए मैंने इसे बेक किया है। तो यहाँ पे मेरा केक बेक हो गया है अच्छे से, बहुत ही स्पंजी बना था, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था ये। तो यहाँ पे मैं इसे सिर्फ एक पार्ट में ही कट कर रही हूँ। कट करके हम इसे एक पार्ट को हम अलग करके प्लेट में रख देंगे और एक पार्ट में हम बाकी अपना चॉकलेट गनाश वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं शुगर सिरप डाल रही हूँ, इसको मैंने पकाया नहीं है, सिर्फ पानी और चीनी को मिक्स किया है। 4 चम्मच पानी है तो 3 चम्मच चीनी है। इसको अच्छे से घोल लेंगे पानी में और उसके बाद मैं इस पे चारों तरफ केक के लगा लूंगी। तो ये चॉकलेट गनाश है, इसको हम इस पे लगाएंगे, केक पे लगाएंगे। तो इसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, बहुत जल्दी में थी इसलिए इसकी वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं इंशाल्लाह जब ये केक बनाऊंगी तभी इसको भी बनाने का तरीका आपको जरूर बताऊंगी। तो इसको हम अच्छे से पूरे केक बेस में लगा लेंगे और दूसरा वाला बेस रख के बाकी जो गनाश हमने बनाया हुआ है इससे हम पूरे चारों तरफ केक को कवर कर लेंगे। मेरे पास जैसे ज़्यादा टाइम नहीं था ना, तो मैं इसे फ्रिज में नहीं रख पा रही थी, तो इसकी वजह से ये मेल्ट होके जैसे लिक्विड होके फैल रहा था पूरा। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मुझे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी में इसको किसी तरह रेडी कर लिया है। लेकिन माशाल्लाह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे ना मैंने केक को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान ले लिया, जैसे स्प्रिंकल्स, चॉकलेट, चॉकलेट बॉल, ये सब चीज़ें ले ली हैं। तो यहाँ पे ना मैं स्प्रिंकल को पूरे गोलाई में किनारे किनारे अच्छे से सजा दूंगी।
तो मैं अभी केक बना के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ डेकोरेशन करने के लिए। केक बनाना थोड़ा सा मुझे टफ पड़ रहा था क्योंकि साथ साथ शूटिंग भी करनी थी केक की रेसिपी की। और अरहान आज बहुत तंग कर रहा था, आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। आज थोड़ा सा ना इरिटेट हो रहा है वो, क्यों हर वक्त रो रहा है। तो मैं अभी उसके पापा को ही दे के आ रही हूँ उसको, ताकि मैं यहाँ पे आके डेकोरेशन कर सकूँ। और उसके पापा को मैंने बोल रखा है कि शिपू को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, वो मतलब उसको डाइवर्ट किए रहिएगा किसी तरीके से। तो वो इस समय यही टाइम है उसको पढ़ाने का, तो वो अभी पढ़ा रहे हैं उसको। तो मैंने कहा बिल्कुल भी आने मत दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए मतलब सरप्राइज़ है। उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि मतलब मैं उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। मुझे ना सरप्राइजेस देना वैसे भी बहुत पसंद है, और मौका मिला है मुझे मेरी बेटी को देने का, तो वही। और अरहान की ना कुछ बर्थडे की चीज़ें बच गई थी, ऐसे तो हम लोगों ने उसके लिए भी लिया है, लेकिन हम लोग जिस रेस्टोरेंट में कर रहे हैं वहाँ पे हमने डेकोरेट करने के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पे जो अरहान की भी कुछ चीज़ें बच गई थी, कुछ बलून्स वगैरह बच गए थे उसके डेकोरेशन के, तो वो मैं उठा लाई हूँ कि उससे जितना हो सकता है मैं जितना बन सकता है उतना डेकोरेट करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और अरहान बहुत ज़्यादा आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको बस ये हो रहा है कि मम्मा गोदी लिए रहे। तो किसी तरह उसको उसके पापा ने संभाल के रखा हुआ है, और मैं यहाँ जा रही हूँ डेकोरेट करने। फिर भी एक बार देख के आते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हम ताकि वो बीच में ना आए। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए अरहान किस तरीके से तंग कर रहा है आज, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए बताओ। शिपू क्या कर रहे हो बेटा? चलो आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। तो मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी रूम को डेकोरेट करना है। तो चलिए मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। और इसमें हमने गिफ्ट पैक करवा के मंगवा लिया है, जो जो मेरा गिफ्ट था। और इसमें मतलब ये आया ऑनलाइन था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको रैप करने को बोला, तो ये शॉप पे जाके रैप करके लाए हैं। ये है तो इसको, अच्छा यहाँ पे ना इस टाइप के बैग्स चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो ये हो गए। और ये रहा इसमें जो है, इसमें मैं देखती हूँ क्या क्या मुझे मिल जाता है। तो ये तो इसको मैं देखती हूँ, ये अरहान के बर्थडे का है, इसको भी मैं सजा लूँगी। ये कुछ बलून्स हैं, देखती हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो चलिए फिर आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये ना, ये मैंने अरहान के बर्थडे के लिए मंगवाया था, मुझे काफ़ी पसंद है ये। तो ये मैंने अरहान के बर्थडे के लिए मंगवाया था, लेकिन उसके में लग नहीं पाया था। तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि बच्चों के साथ वो सब चीज़ करना, सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो मैं देखती हूँ अगर ये सही लगेगा तो मैं इसे भी यूज़ कर लूँगी, बच्चों के लिए अच्छा लगे। आपने मुझे चाहिए सेलो टेप, ये भी अरान का ही वो बैनर है, बर्थडे बैनर है। तो इसको मैंने उसी समय संभाल के रख लिया था कि आगे मैं शिफू के बर्थडे में इस तरीके से इसे यूज करूंगी।
मैंने दो वहाँ चिपका दिया है और बाकी मैं बलून देखती हूँ कि मैं और कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है कि शिपू आ ना जाए और टाइम भी बहुत कम है, तो वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और अच्छा, किसके किसके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जल्दी सेलो टेप निकालो, मतलब जितनी जल्दी है उतना ही लेट होता है, इसके वजह से सबसे ज्यादा लेट इसके वजह से होता है। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताइए। ये बलून से थोड़ा सा गड़बड़ लग गया है, अगर मैं इसे घुमाऊंगी अभी ये फट जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तो सारी तैयारी हो गई, तो मैंने रूम को डेकोरेट कर दिया जो भी मुझसे हो सकता था, थोड़ा बहुत जो भी मुझसे हो पाया है। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरा मैंने बेड पे भी इस तरीके से ऐसे डेकोरेट कर दिया है। उसका स्टडी टेबल रखूँगी जिसपे मैं अपना केक रखूँगी, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये फाइनल मेरा रूम डेकोरेट हो गया है, मैंने मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया और ये भी मैंने लगा दिया है। बस यहाँ पे केक लगा के रखना है और कैंडल्स, और उसे बुलाना है। बस 12 बजने वाले हैं, अभी 12 बजे नहीं है, तो तब तक के लिए मैं हाँ गिफ्ट्स मैं बोल रही थी, मैं गिफ्ट लेके आती हूँ। ये मेरी तरफ से है, तो ये सारे गिफ्ट मेरी तरफ से हैं और इनके पापा ने भी लाके रखा हुआ है, तो वो भी मैं लेके आती हूँ। तो ये वाला जो गिफ्ट है, तो ये वाला जो गिफ्ट है ये इनके पापा की तरफ से है। तो मैंने केक ला के रख दिया है। बड़ी मुश्किल हो रही है ये सब चीज़ें करना, क्योंकि छोटी है ना वो, तो उसे मतलब मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, तो उसे बार बार ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं देखूँ मम्मा क्या कर रही है। लेकिन बड़े बच बचा के मैं लेके आई हूँ, तो मैं आपको अपना केक दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका लुक, मुझसे जितना हो पाया मैंने जल्दी जल्दी बहुत झटपट ये केक बनाया है मुझसे। तो ये मेरे केक का लुक है, देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कैंडल जला दी है, अब बस मैं जा रही हूँ उसे बुलाने के लिए। ये कितना अच्छा लग रहा है, और ये क्या है? तुम्हें कैसा लगा ये बताओ। बहुत अच्छा लगा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा लगा जल्दी बताओ, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि हमको बढ़िया नहीं लगेगा? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम्हें बढ़िया लगेगा। अरे अनु कैसा लगा भैया, कैसे? अरे यहाँ पे अरान की मस्ती चालू हो गई। देखे अरानो कैसा लगा भैया, अपी का सरप्राइज कैसा लगा? हाँ, दोनों बच्चे बहुत खुश हैं, माशाल्लाह बहुत खुश है। अरानो सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो ये हो जाते हैं इनके।
सारे गिफ्ट्स मेरी तरफ से तो नहीं उठाना मम्मी। तो हम लोग जा रहे गिफ्ट खोलने। शिफु बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि वो गिफ्ट खोले। केक वगैरह हम लोग ने खा लिया है। चलो फिर ओपन करते हैं। आर यू एक्साइटेड? यस। शिफु को ना क्राफ्ट में और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंटरेस्ट है उसे ये सब चीज़ें करने में। तो मैंने उसी से रिलेटेड उसको गिफ्ट दिए थे और माशाल्लाह उसे गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस समय, आप देख सकते हैं। उसकी एक्साइटमेंट देखे आप लोग। पहले बताओ पसंद आया कि नहीं। तो शिपु बताओ कैसा लगा मम्मी पापा का गिफ्ट? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। खुश हो? बहुत खुश हो? तो जी मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद आया गिफ्ट। मतलब एक्सपेक्ट था कि इतना पसंद आएगा, लेकिन इतना ज्यादा पसंद आएगा ये एक्सपेक्ट नहीं था। ये बहुत ज्यादा खुश हो, मुझे यही खुशी इसकी देखने थी। शिफु ना आप सेलिब्रेट करने के बाद फिर अब चली गई अपनी साइकिल को चलाने के लिए। तो जी मैं भी चलती हूँ। और कैसा लगा वीडियो? और ये है बर्थडे का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा आपको। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।